नमस्ते, एक्सपर्ट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन पालक की सब्जी की रेसिपी। यह मटेरियल आप नोट कीजिए। अब हमें लेना है ब्रिंजल, पालक, आलू, तेल, लहसुन, पचफोरन, हरी मिर्च, नमक, टमाटर। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में लेंगे तेल। तेल हमको नॉर्मल ही रखना है, कुछ ज्यादा कम नहीं, जैसे हम सब सब्जी के लिए लेते हैं। अब इसमें हमें डालना है पचफोरन। कम समय में बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इसकी। हमने डाला है लहसुन, हरी मिर्च, इसे भी हमें थोड़ा फ्राई करना है। ये देखिए, हमें इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे पालक। इसकी इतनी अच्छी सब्जी बनती है कि आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप स्पाइसी सब्जी नहीं खा रहे हो। इतना बढ़िया ये सब्जी बनती है। आप पूरी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ इसे एंजॉय कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, हमने इसे चला लिया है। अब इसमें हमें अपना बैंगन डालना है। ये देखिए, हमने अपना पालक चला लिया है। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही हेल्दी सब्जी बनती है। पूरी, पराठा, रोटी आप किसी से भी इंजॉय कर सकते हैं। कम समय में, कम मेहनत में, कम सामान में बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। आप जरूर एक बार ट्राई मारिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अब इसमें हमने अपना ब्रिंजल ले लिया है, इसे भी मिक्स करेंगे। सब भाजी को कट करने के बाद हमें सबसे लास्ट में ब्रिंजल कट करना है, क्योंकि अगर हम पहले काट देंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। इसलिए छौंका लगाते समय अपने को ब्रिंजल को तभी काटना है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। इस भाजी की खास बात है कि हमको ज्यादा देर तक वहाँ पे खड़ा होकर के बनाना भी नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट हम खड़ा होकर के इसको रेडी करेंगे, उसके बाद दूसरा हम काम भी कर सकते हैं साथ में। और आपको खाते वक्त ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम स्पाइसी भाजी नहीं खा रहे हैं, इतना बढ़िया लगेगा आपको। ये देखिए, हमने सब भाजी को चला लिया है। अब इसे ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम आते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है। नमक इसमें थोड़ी कम मात्रा में डालनी है, क्योंकि ये भाजी हमारी गल के थोड़ी कम हो जाती है। कम समय में, कम मेहनत में, कम सामान में बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। आप एक बार ट्राई मारिए और अपनी अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप जरूर बताइएगा कि ये भाजी आपको कैसी लगी है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। इस तरह से चलाते जाइए। मीडियम फ्लेम रखना है हमको। अब ये थोड़ी पक जाए हमारे भाजी, तो हमके पीछे से इसको टमाटर डालना है। आप टिफिन में, घर पे, बच्चों को आराम से खाइए, खिलाइए। अब इसमें हमें टमाटर भी मिक्स कर लेना है। मीडियम हमारा फ्लेम होना चाहिए। और जब इस तरह से सब्जी हो जाए तो बिल्कुल हमें फ्लेम स्लो कर देना है। अब आराम से आप दूसरे भी काम करते रहिए, हमारा भाजी बनते रहेगा। ये देखिए, हमारा भाजी 10 मिनट बाद बनके हो गया। 15 मिनट में भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है। इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतना अच्छा टेस्ट रहता है कि आप स्पाइसी भाजी तो खाना भूल ही जाएंगे इसको खा करके। एक बार आप जरूर टेस्ट कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए, हमारी भाजी बनके रेडी हो गई है। आप टिफिन में, घर पे, कहीं भी ले जाएं, कहीं भी खाइए।